आज हम बात करेंगे जीवन में शांति, आनंद और क्रोध कब होते और कैसे होते। ओशो कहते हैं, जीवन में आपने आनंद को जाना है कभी? कह सकते हैं किसी क्षण को कि यह आनंद का था और मैंने आनंद पहचाना और जाना? कठिन है ईमानदारी से ये कहना कि मैंने कभी आनंद जाना, कभी प्रेम जाना है यह कहना भी कठिन है, कभी शांति जानी है यह कहना भी कठिन है। हम क्या जानते हैं? हम अशांति जानते हैं। हाँ, अशांति कभी कभी कम होती है मात्रा में, उसी को हम शांति समझ लेते हैं। असल में हम इतने अशांत रहते हैं, अगर अशांति थोड़ी कम हो जाती है तो शांति का भ्रम देती है। एक आदमी बीमार है, थोड़ी बीमारी कम होती है, वह कहता है मैं स्वस्थ हुआ, क्योंकि बीमारी इतनी घिरी है उसके आसपास कि थोड़ी बीमारी कम हो तो उसे लगता है मैं स्वस्थ हुआ। लेकिन स्वास्थ्य और बीमारी का क्या संबंध है? स्वास्थ्य तो बात ही अलग है, स्वास्थ्य तो बात ही अलग है। हम में से बहुत कम लोग ही स्वास्थ्य को जान पाते हैं, ज्यादा तो बीमारी को ही जानते हैं, कम बीमारी को जानते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं जान पाते। ज्यादा अशांति को जानते, कम अशांति को जानते हैं, लेकिन शांति को नहीं जान पाते। ज्यादा घृणा को जानते हैं, कम घृणा को जानते हैं, ज्यादा क्रोध को जानते हैं, कम क्रोध को जानते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि कभी कभी क्रोध आता है, झूठी है यह बात। आप 24 घंटे क्रोध में होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, 24 घंटे आप क्रोध में हैं। जरा सा मौका मिल जाए और आपका क्रोध प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मौके की तलाश है, क्रोध भीतर तैयार है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी की खोज है कि कोई बाहर से मौका दे दे। क्योंकि बिना मौके के अगर आप क्रोध करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। अगर आपको मौके न दिए जाए तो आप बिना मौके के भी क्रोध करना शुरू कर देंगे, यह आपको शायद पता नहीं होगा। आगे इसी का पार्ट 2 जरूर देखिए, यह पार्ट 1 है।